ये देखिए ना, पता नहीं यहाँ पे कुछ हुआ है शायद सोसाइटी में, मालूम नहीं, क्योंकि ये गाड़ी सुबह भी आई थी और अभी भी आई है, और ये कार भी आई थी, बाइक वाले भी बहुत सारे लोग, और यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा भी हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं। हम लोग यहीं पे रहते हैं, पास में रहते हैं, फिर भी कुछ पता नहीं। और तो मैं आ गई हूँ घर से बाहर, और वो वहाँ पर चांद दिख रहा होगा आप लोग को, तो मैं दिखाती हूँ अभी चांद। वो कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, वो ऊपर दिख रहा है, ये देख, ये ऊपर यहाँ पे दिख रहा है चांद, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कोई कविता कोई पोयम कहूँ। और ये रही मैं, और यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ है मेरी कॉलोनी में कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए ना, पता नहीं यहाँ पे कुछ हुआ है शायद सोसाइटी में, मालूम नहीं, क्योंकि ये गाड़ी सुबह भी आई थी और अभी भी आई है, और ये कार भी आई थी, बाइक वाले भी बहुत सारे लोग, और यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा भी हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं। हम लोग यहीं पे रहते हैं, पास में रहते हैं, फिर भी कुछ पता नहीं। और सारे क्वार्टर तो बंद हैं, एक मेरा ही क्वार्टर मुझे लग रहा है खुला है, रूम खुला है। ऐसी बात पता नहीं लग रहा, किसी से पता करना पड़ेगा। और पापा से कल पूछती हूँ, पापा भी बोल रहे थे कि क्या हुआ है क्या नहीं, ये सुबह से गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ पे, और मुझे कल पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कोई गाड़ी वगैरह यहाँ पे आती नहीं है, कार वगैरह। मुझे बाहर आती है तो थोड़ी सी टेंशन होने लगती है, और लोग नहीं बना रही हूँ पकौड़ी आलू की क्रिस्पी। ये रही यहाँ पे, यहाँ पर बन रही है चाय, और ये रहा दूध, दे रही पालक की गूठा आटा, तो उसकी बनेगी पकौड़ी, पहले ये बन जाए तब। तो इसमें डाल देंगे दूध चाय में, और इसको साइड कर लेंगे। बस इतनी ही चाय बनेगी, पता नहीं क्यों लग जा रहा है नीचे। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, और मेरी प्रार्थना दुआ यही है कि आप सब हमेशा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। और आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैंने घर का सारा काम कर लिया है और हो गया है सारा काम, और अभी मुझे खाना है अमरूद थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैंने खाना वाना खा लिया है, दोपहर का खाना, दोपहर के खाने में था चना दाल पालक का दाल, चना दाल और पालक मिला के सकपैता हम लोग क्या बोलते हैं, दाल बनाई थी और चावल बनाया था, बस एक है, और सब्ज़ी भी बनी थी लोबिया की सब्ज़ी, जो मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं खाया। और तो खा के अब टहलना है, तो अब टहल रहे हैं खा के, क्योंकि टहलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या हुआ ना, आज दो दिन से मेरे मोबाइल पे पता नहीं कैसे, मतलब अजीब अजीब से नंबर आ रहे थे, कैसे मतलब कि कोई, मतलब ऐसे ही कोई बोल रहा था कि हम वहाँ से शॉर्ट कॉल सारे आ रहे थे कि मुझे मतलब ये अकाउंट नंबर दीजिए या पैसा दीजिए ऐसे करके टाइप में। तो 15 लाख की गाड़ी, पता नहीं कौन सी फोर व्हीलर,
तो वही देंगे आपको। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास है सब। और इतना फ्रॉड करते हैं ये लोग, और एक बार नहीं पता नहीं कम से कम 50 बार, 50 से ज़्यादा बार मेरी नींद ख़राब कर दी, एकदम दिमाग मेरा ख़राब हो गया। सुबह से ये लोग 8 बजे से कॉल करते थे और क्या कहते, दिन भर लगे रहते थे उसी कॉल पर, और दिन भर मतलब 10 मिनट भी नहीं बीतता था, 5 मिनट भी नहीं बीतता था, दोबारा कॉल आता था, बार बार। मैंने एक बार हड़काया भी, फिर भी वो लोग बार बार कॉल कर रहे थे। अब मेरा दिमाग कल से इतना ख़राब कर दिया इन लोगों ने, फिर मैं बहुत परेशान हो गई, एकदम रोने लग गई थी कि अब मैं क्या करूँ क्या नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं, और पूरी हालत मेरी ख़राब, क्योंकि अभी भाई मतलब मैंने नंबर किसी को दिया भी नहीं है, कहीं भी मेरा नंबर ऐड नहीं है, और इस वजह से इन लोगों ने इतना मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। जैसे ब्रेन वॉश नहीं होता कि हाँ किसी चीज़ को लेकर परेशान कर दो। और जब मैंने कुछ मतलब कि अकाउंट नंबर दे दीजिए आपका, मतलब पता नहीं क्या कह रहे थे, आधार कार्ड आपका नंबर गलत हो गया है, कि पता नहीं पैन कार्ड का नंबर गलत हो गया, ऐसे ही कुछ बोल रहा था ऐसे करके, और मेरे से अकाउंट नंबर मांग रहा था कि आप ऐसे कर दीजिए तो अकाउंट नंबर से कनेक्ट कर देंगे, पता नहीं क्या करके क्या कर देंगे। अच्छा, पहले दिन तो कॉल आया वहाँ से बेंगलुरु से आया कॉल, दिन भर आता रहा कॉल। उस दिन तो मैंने एक बार कॉल उठाया, क्योंकि पता करना रहता है कि भाई किसका कॉल आ रहा है, कहीं कोई काम मतलब कि कोई कहीं से मतलब ज़रूरी काम तो नहीं, इसलिए तो नहीं फ़ोन आ रहा है, तो इसलिए मैंने उठा लिया पहले दिन। तो मतलब बोलने लगा कि ऐसे ऐसे आपका नंबर है, ये है वो, तो मैंने थोड़ा बहुत जो बोलना था मुझे मैंने जवाब दिया, और फिर मैंने उसके बाद फ़ोन रख दिया। तो मम्मी का कॉल आ गया था, इसीलिए मैंने वीडियो रख दिया। मैं एरोप्लेन मोड पे करके हमेशा वीडियो बनाती हूँ, आज भूल गई थी, तो मम्मी गई हैं शादी में, तो वहीं से फ़ोन आ गया। और देखिए हमारे यहाँ का मौसम बहुत ख़राब है, रात में बारिश हुई है, देखिए पूरा धनिया वगैरह में पानी, और देखिए पालक बड़ा हो रहा है मेरा, तो उस वजह से कुछ बात कर रहे थे, तो वो लोग कॉल कर करके पूरा परेशान कर दिया। फिर कल भी पूरा कॉल कर रहे थे, तो मैंने क्या किया, मेरा दिमाग थोड़ा देर में चला, और क्या कहते हैं, फिर मैंने सिम निकाली, जिस सिम पे फ़ोन आ रहा था मैं सिम निकाली चुपचाप, उस सिम का काम भी नहीं था, मतलब उस सिम से मैं चलाती भी नहीं हूँ मोबाइल, तो मैंने निकाल के चुपचाप रख दिया मोबाइल। अब कल से बंद हो गया, कॉल वगैरह कोई मतलब ही नहीं है। मैंने कहा ये नंबर अब कुछ दिन बाद में ऑन करूँगी, रख दिया। उससे तो ठीक ठाक हो गया, मतलब मेरे सल्यूशन मिल गया मुझे उस काम के लिए कि हाँ चलो अच्छी बात है, ये काम कम से कम मेरा हुआ। और जिस काम के लिए मैंने बोल रही थी कि पैसे मुझे चाहिए थे, उस काम के लिए भी मेरा काम, मैं आप लोग को बताती आ रही हूँ कि हाँ मेरा काम हो रहा है, और थोड़ा बहुत पैसे मुझे और चाहिए थे तो वो भी नहीं मिल पाए हैं अभी तक। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे मिल जाए कहीं से, तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे इसी महीने में चाहिए, और मुझे मिलने वाले हैं अगले महीने में, तो इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। और ईश्वर की दुआ रही तो हो सकता है कि मुझे मिल जाएंगे पैसे, बस दिक्कत ये है कि बरसते अभी मिल जाएं, इस महीने मिल जाएं, बाद में ना मिलें, अभी मिल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, और अभी नहीं मिल पा रहे हैं एक दो दिन के अंदर। और मुझे कल परसों में काम है पैसों का, तो इसीलिए थोड़ा परेशान हूँ। और बस बाकी सब तो सही चल रहा है लाइफ में। और कल मेरी कॉलोनी में पता नहीं क्या हुआ, दिन भर मतलब गाड़ी वगैरह आ रहे थे सब, पता नहीं कौन से लोग कैसे लोग आ गए थे, बड़े बड़े लोग, उनको देख के डर लग रहा था, हट्टे कट्टे मोटे जवान लोग, और 3-4 बार गाड़ी आई, और रात में भी 12-1 बजे तक गाड़ी मतलब यहाँ पे थी, तो हम लोग डर गए थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 10 बजे जब 9 बजे निकले हम लोग, तो देखे तो पूरा गाड़ी से पूरा भरा, मैंने पता भी नहीं किया, क्योंकि मौसम आज का इतना ख़राब है। आज मैं देर से उठी सुबह, मतलब जगह मैंने चेंज कर दी थी, जहाँ मैं पहले सोती थी फिर मैं उसी जगह कल सोई हुई थी, इसलिए जगह चेंज हुई तो रात भर नींद नहीं आई, और नींद नहीं आई तो इसकी वजह से फिर मैं रात में जाग रही थी, थोड़ा मोबाइल में कुछ देख होक रही थी, फिर उसके बाद जो है मैं सो गई, तो फिर मेरी नींद खुली आज 7 बजने में कुछ मिनट बाकी था तब खुली, और फिर जल्दी जल्दी काम किया सारा मैंने,
तो इसी चक्कर में देर हो गई, नहीं थोड़ा सुबह उठती तो जैसे टहलते रहते हैं लोग ना, तो उनसे पूछ सकते हैं कॉलोनी के लोगों से कि क्या हुआ था, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों को भी दरवाज़ा बंद था तो पता नहीं चल पाया कि क्या हुआ क्या नहीं। और अभी भी इन लोग का पता नहीं कैसे है सिस्टम, पूरा दरवाज़ा दिन रात 24 घंटे बंद रखते हैं। आपको दिखाते हैं, देखिए मैं सही बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ, ये बैक कैमरा। अंकल जी वहाँ पे खड़े हुए हैं जो उनका बगीचा है। तो आसपास क्या होता है इससे ज़्यादा मतलब नहीं वो करना चाहिए कि रखना चाहिए, लेकिन फिर भी मतलब रहना चाहिए, क्योंकि अचानक से कुछ होने लगता है ना, जैसे कि बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह जल्दी से आती नहीं है इधर, इधर आती है तो ये रेलवे के काम के लिए ये सारी ट्रकें आती हैं। ये देखिए जा रही है, वो देखिए जा रही है, तो ये सब आता है और आता है तो अपना रेलवे के काम के लिए उधर सीधा चला जाता है, सीधा जाके अपना काम करके ये लोग वापस चले आ जाते हैं। लेकिन रात में कुछ गाड़ी वगैरह ज़्यादा आती है, हाँ 2 बजे रात में राउंड पे वो क्या बोलते हैं पेट्रोलिंग पे निकलती है पुलिस, 2 बजे रात में यहाँ पे निकलती है, मैंने डेली आवाज़ सुनती हूँ यहाँ पे। बाई चांस जैसे मेरी उतनी समय मेरी नींद खुलती है इसलिए मैं सुनती हूँ आवाज़, लेकिन पता नहीं क्या था समझ में नहीं आया, देखते हैं पता चलता है कुछ की क्या नहीं, मतलब ज़्यादा उतना नहीं है हमको कुछ, लेकिन कुछ ना हो ऐसे, मतलब 1-2 साल पहले क्या हुआ था ना, जैसे कि हम लोग को पता नहीं चला था, यहीं पे कॉलोनी में ही एक कोई थे रेलवे के ही थे, तो उनको वो मतलब उनकी डेथ हो गई थी ऐसे ही और पता नहीं चला 3-4 दिन तक। तो उस समय से हम लोग डर गए हैं, जैसे कुछ होता है कॉलोनी में अगर कोई बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह आ जाती है ना तो घबराहट हो जाती है अंदर से कि मतलब कुछ होगा। पुलिस की जैसे गाड़ी थी वो, 2 वो लगा था उस पर लाइट, तो इसलिए डर रहे थे। और मतलब वो कैसे क्या बताएं वो सब बात छोड़िए, खैर मैं हद से जाऊँगी, मुझे सपने अपने आने लगेंगे तो इसलिए नहीं बताऊँगी, लेकिन वो डेथ हो गई थी उनके अंकल की, तो 3-4 बाद हम लोग चिंता दिन बाद हम लोग को मतलब स्मेल नहीं आती, गंदी सी तो स्मेल आ रही थी तब हम लोग को पता चला था, तो इसीलिए हम थोड़ा घबराहट हो जाती क्योंकि मैं यहाँ पे थी उस टाइम पे। तो बस और कोई बात नहीं है, इसीलिए मैं कल घबरा गई थी रात में थोड़ा सा, तो मैंने अपनी बहन को जल्दी जल्दी बुलाया, मैंने कहा देखो देखो क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ है, तो कह रही कुछ नहीं ऐसे ही आए होंगे सब आए होंगे, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं कल सुबह देखते हैं पता करते हैं। तो सुबह देर से उठी तो कुछ पता ही नहीं चल पाया मुझे, आज देखती हूँ शाम को पूछती हूँ किसी से कि कोई बात वगैरह तो नहीं है, क्योंकि अभी तो दरवाज़ा खुला, हमको लग रहा है कोई बात नहीं है, ऐसे कोई आया होगा रिश्तेदार वगैरह होंगे। तो बस और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि दुनिया में सभी लोग खुश रहें, सभी लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। अरे देखिए दिन भर पानी वाले आते रहते हैं, आ गए हैं लेके अपना डब्बा, तो इस वजह से तो इसके बाद जो है बस आज के ब्लॉग में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए शुरुआत के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें और खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें और ईश्वर से प्रार्थना करते रहें सभी के लिए, और थोड़ा सा मेरे लिए भी कीजिए कि जो भी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में अच्छी हो जाए और मैं आगे बढ़ती रहूं निरंतर, आप लोग भी आगे बढ़ते रहिए और लाइफ में अच्छा करते रहिए, क्योंकि लाइफ एक ही मिली है दोबारा नहीं मिलेगी। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।